जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु की। गौरव के रूप से हम कितने खुशी हम महसूस करते हैं, कितना आनंद लेते हैं, वो ऑब्जर्वर ही जानते हैं जो इस सब विषय को ऑब्जर्व करता है। हम प्रभु की संगति में हैं, हम ये यकीन करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि अपने जो बुजुर्ग हैं या अपने जो सार हैं डॉक्टर केन थॉमस और उनकी धर्मपत्नी मैम के, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी राज्य को, इतनी बड़ी सारा भारत के राज्य को वो अपने ओर से ले चुके हैं। क्योंकि प्रभु की आशीष नहीं तो और क्या है, प्रभु की आशीष है, प्रभु की दान है, प्रभु की महिमा है जिनको उनके हाथ में सौंपा गया है। ताकि हम गर्व करते हैं कि उड़ीसा से आकर के हम इतना दूर तक अपनी कला को फैला सकते हैं, क्योंकि ये प्रभु की गौरवता है, प्रशंसा है, हम धन्यवाद हैं, हम उसको एक गर्व महसूस करते हैं। हमारे पास ये सब डिस्क्राइब करने के लिए वक्त नहीं है, इसीलिए हम सब लोग देखते हैं, इसलिए हमको बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम सीधा हम शुरू करेंगे अपना कल्चरल, जो प्रभु की गौरवता के लिए हम उनकी सुसमाचार प्रचार करने जा रहे हैं। थैंक यू। पहले हम एक गीत गाएंगे, हम ओडिया गीत गाएंगे। ये गीत का अर्थ है जैसे कि परमेश्वर ने जगत को सृष्टि किया, उसके बाद यीशु को भेजा, यीशु ने अपने 12 चेले को लिए और 12 चेले जो अपने बिना सपोर्ट के और सुसमाचार प्रचार के लिए कहाँ से लेकर कहाँ तक वो अपने आप को कुर्बान किए। किसी को तीर से मारा गया, किसी को तलवार से मारा गया, किसी को बोरे में भर के समुद्र में फेंका गया, किसी को उल्टा लटका गया, ऐसे करके वो लोग अपने आप को परमेश्वर के ओर से अपने आप को कुर्बान कर दिए। लेकिन हमने क्या किए, लेकिन अभी तक उनकी सुसमाचार कहीं तक भी पहुँचा नहीं पा रहे हैं। इसी के दौर से हम उसी एक छोटा सा गीत हम ले रहे हैं कि हम किस ढंग से प्रभु की सुसमाचार हर एक जगत के कोने कोने हम ले सकें। हमारे गीत का अर्थ ये है। धन्यवाद। गीत गाएंगे। You go say so.
लेकर के हम छोटा सा एक स्किट रखे हैं, दो मिनट का एक स्किट है जो सुषमाचार की ओर से जाता है, जो जो सुषमाचार हम लोग पा करके भी उसको हम यूज कर नहीं पा रहे, किस ढंग से हम प्रभु की सेवा करते हैं और कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो उसको हम आपके सामने थोड़ा पेश करने जा रहे हैं। दो मिनट के है, हम शुरू करें। अब जितने भी तुम्हारे ऊपर बोझ था, मैं प्रार्थना करके हमेशा हमेशा के लिए यीशु के नाम से मैं निकाल दिया। अरे मेरा बोझ हाँ सब सब क्लियर हो गया।
सिर्फ एक ही यीशु मसीह जो मेरे को आज साथ लग गया और मेरे सारे बोझ को ले लिया। तो थैंक यू जीसस। अब से यह लेकर आप पढ़ो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। जी थैंक यू। हम खुद सक्सेस से आपको सेटिस्फाई कर नहीं पाए, थोड़ा क्षमा चाहते हैं। अपना कुछ प्रॉब्लम अपने यहाँ के जो भैया लोग हैं इन लोगों की सहायता लेना पड़ा। हमारे बहुत सारे भैया लोग आए थे, सारे सुसमाचार लेके चले गए और थोड़ा कुछ बाकी है जो हमारे लिए छोड़ दिए हैं ताकि हम ले जाते समय लेके जाएंगे। फिर क्योंकि बहुत सारे लग गए हैं तो ये बात है कि मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में इतने सारे बोझ है तो एक आदमी लेके चलता है, पाप का बोझ, समस्या का बोझ, बीमारी का बोझ, शारीरिक बोझ, पारिवारिक जीवन की बोझ, फिर भी हम जगत में जीना है, हमको शेयर करना है, इसी सारे बोझ को लेकर के हम जाते हैं हम। लेकिन हम अपने आप में यीशु को हम डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते अपने माँ को कि अपना माँ अपना बोझ हल्का कर नहीं पाएगा, बाप हल्का कर नहीं पाएगा, कोई अपना फ्रेंड या बंधु या कोई सोदर सोदरी कोई हमको हेल्प कर नहीं पाएगा। लेकिन एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर, अगर वो हमें जरूर अधूरा पूरा करेगा और हमारा बोझ हल्का करेगा। कब करेगा? जब हम उनके और अपना घुटनों टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे कि सचमुच उद्धार करने वाला एक ही परमेश्वर है जो जीवन दान देने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर हम भरोसा करेंगे। और छोटा सा हमारे पास अगर टाइम नहीं है, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक डांस है उसके सामने आपको सामने हम थोड़ा पेश करने लगे जी।